है। और योगी 2.0 सरकार में माफिया पर लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक 62 बड़े माफिया पर सरकार ने कार्रवाई की है। प्रदेश स्तर पर 50 माफिया पर कार्रवाई हुई है, जिला स्तर पर 12 माफिया पर कार्रवाई हुई है। अब तक 431 माफिया की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश स्तर पर 50 माफिया पर कार्रवाई हो चुकी है। योगी 2.0 सरकार में लगातार माफिया राज, गुंडा राज पर योगी सरकार एक्शन में है। लगातार माफिया के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, राजभवन में यूपी के मंत्रियों को बुलाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी को आमंत्रित किया है। सीएम योगी और सभी मंत्री शामिल होंगे। चाय पर चर्चा के लिए राजभवन में आमंत्रित किया गया है। आज शाम 4 बजे चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता, राजभवन में मंत्रियों को बुलाया गया है। आनंदीबेन पटेल ने आमंत्रित किया है चाय पर चर्चा के लिए, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी मंत्री शामिल होंगे। अनिल यादव का रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो चुके हैं। अनिल, 4 बजे ये चाय पर चर्चा होगी, बैठक बुलाई गई है, क्या मतलब है 4 बजे जो ये बुलाए गए हैं सारे मंत्री, आखिर क्या वजह है और इस चर्चा में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, सरकार के 100 दिन हो गए हैं और सरकार के सभी मंत्रियों ने ग्राउंड पर जाकर अपनी रिपोर्ट बनाई थी और सरकार को दी थी और अपने विभागों का कामकाज का ब्यौरा भी सरकार को सौंपा था। तो मुख्यमंत्री को सभी अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं, अपनी प्रेजेंटेशन अपने अपने विभाग का दे चुके हैं। लेकिन अब राज्यपाल ने शाम को 4 बजे सभी मंत्रियों को बुलाया है चाय पर चर्चा के लिए। मुख्यमंत्री भी रहेंगे और तमाम जो सीनियर मंत्री हैं और जो राजमंत्री वो सभी रहेंगे और संगठन के भी लोग रहेंगे। तो ये सभी मंत्री अपने अपने विभाग के 100 दिनों के कामकाज का प्रेजेंटेशन राज्यपाल को भी देंगे और बताएंगे कि 100 दिनों में सरकार के मंत्रियों ने कैसे लोक कल्याण के लिए काम किए हैं अलग अलग स्तर पर और अब तक क्या काम हुए हैं और भविष्य में उनकी क्या कार्य योजना है। तो राज्यपाल को इस तरह का प्रेजेंटेशन पहले भी, जब पिछली सरकार थी योगी वन सरकार थी, तब इस तरह का प्रेजेंटेशन हो चुका है। उसी की तरह आज 100 दिन बीतने के बाद राज्यपाल के सामने सभी मंत्री अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन देंगे और मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। क्या कोई निर्देश इस चर्चा में देखने को मिल सकता है राज्यपाल की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल निश्चित ही एक तरफ जहां विभागों का प्रेजेंटेशन देखेंगी और भविष्य की कार्य योजना जानेंगे, वहीं दूसरी तरफ अपनी तरफ से भी कुछ इनपुट देंगी और लोगों को, मंत्रियों को निर्देश देंगी कि कैसे वो और लोक कल्याण के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, जिससे लोगों को और ज्यादा राहत मिले और कैसे नई नई योजनाएं बनाई जाएं। तो देखिए, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल और भी राज्यों में रही हैं, मुख्यमंत्री खुद रही हैं गुजरात की, तो निश्चित ही उनके पास भी अपना एक विजन है और उसे वो शेयर करेंगे सरकार के मंत्रियों के साथ। तो निश्चित ही मंत्रियों को भी उनके अनुभव से लाभ होगा कि कैसे और लोगों की बेहतरी के लिए और ज्यादा योजनाएं बनाई जा सकती हैं और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। निश्चित ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहेंगे, दोनों का एक लंबा अनुभव है। मुख्यमंत्री भी लोकसभा में रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं और 5 साल सरकार भी चला चुके हैं। तो निश्चित ही दोनों सीनियर लीडर जब बैठेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे तो निश्चित ही सरकार के मंत्रियों को भी उससे लाभ होगा। ठीक है अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। चित्रकूट में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगेगा। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शिरकत करेंगे। पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे। विभाग के संयोजकों को भी बैठक में बुलाया गया है। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। टेक्निकल एजुकेशन मंत्री ने बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड के सचिव और निदेशक को पद से हटाया गया है। गलत एनओसी देने के आरोप में जांच में दोषी पाए गए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां उपकंठ अधिकारी से लेकर अवर अभियंता समेत 5 लंबित किए गए। अधिशासी अभियंता
वाराणसी जयकृष्णा सस्पेंड हुए, वहीं अवर अभियंता वाराणसी राजकुमार राम भी सस्पेंड किए गए हैं। उपखंड अधिकारी की बात की जाए तो वाराणसी के अजय प्रताप सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। सहायक लेखाकार वाराणसी मनीष सोनकर सस्पेंड किए गए हैं। कार्यालय सहायक वाराणसी लाल बहादुर वर्मा सस्पेंड किए गए। वहीं बिजली चोरी में सहयोग और राजस्व में कमी दिखाने के मामले में दोषी पाए गए थे लोग, और इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर घोटाले का मामला, ट्रांसफर नीति के खिलाफ हुए